Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Elementary Probability Theory. So in this session, probably we'll see the sums which will be based on probability, but concept will be of combination. Iske related questions rahenge. So over here, we start with the next question, that is question number 12. A committee of 5 is to be formed from a group of 6 boys and 7 girls. Find the probability that the committee consists of 3 boys and 2 girls. So, sabse pehle, main aisa bolunga ki there are 6 boys and 7 girls. So, a total of 6 plus 7 equal to kya aega? 30. So, a total of 6 plus 7 that is equal to kya aega? 30. Persons likh dege. A committee. So, main aisa bolunga, since a committee of how many is to be formed? Committee of 5 is to be formed. Now, since ye word use hua hai as committee, iska matlab hai, again, this is question which is based on what? Combination. Kyunki maine starting mein bataya ki yahan pe combination ke related jabhi bhi question hoga, so word used will be committee या फिर selected या selection या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कोई कोई कंडीशन ऐसे होते हैं जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एंड उस हिसाब से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इट इज क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन व्हाट कॉम्बिनेशन रिलेटेड. सो अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म इन विच देयर आर 3 बॉयज एंड 2 girls. So, यहां पे there are 6 boys and 7 girls. So, a total of क्या लिखा है? 13 person. A committee of 5 is to be formed in which there are 3 boys and 2 girls. So, यहां पे मैं ऐसा बोलूंगा सबसे पहले आ जाएगा N of S जो जाएगा 13C5. And मेरा criteria for event is कि it should consist of 3 boys and 2 girls. Since I want 3 boys and word आता है इसका मतलब into हो जाएगा और word आएगा इसका मतलब addition हो जाएगा. So यहाँ पे मैं बोलता हूँ मेरा जो n of a का condition है this is nothing but what 6c3 into 7c2. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा p of a is equal to n of a upon n of s. And एक बार ये वैल्यू लिखा so I say this is 6c3 into 7c2 upon 13c5 and this value is equal to 6 into 5 into 4 लिखूंगा upon 3 into 2 into 1 into 7 into 6 upon 2 into 1 whole divided by 13 into 12 into 11 into 10 into 9 आ जाएगा अपॉन 5 4 3 2 1. सो अगर मैं इतने वैल्यूज कंसीडर करता हूं तो मेरे को मालूम है 3 2 जा तो ये 6 चला जाएगा इट इज 2 1 जा 2 3 जा. अब यहां पे 5 into 4 20 हो जाएगा 20 into 3 60 हो जाएगा 60 into 2 120 हो जाएगा. So, मैं बोलूंगा 12 एंड 10 ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 12 10 का भी 120 होता है. सो ये और ये कैंसिल हो गया. सो अब मेरे पास ऊपर बचा है 5 into 4 into 7 into 3 अपॉन में बचा है इट इज 13 है 11 है एंड 9 है बाकी कोई टर्म्स नहीं बचे. सो यहां पे मैं बोल सकता हूं इट इज 3 1 जा 3 3 जा. सो अब ये हो जाएगा 5 4 जा 20 20 into 7
20 इंटू 7 किया तो ये हो जाएगा 140 अपॉन में 13 इंटू 11, सो वी से 13 इंटू 11 इंटू 3, सो आंसर फॉर दिस इज अपॉन में 429, सो इट इज 140 अपॉन 429, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी. नाउ वी स्टार्ट विथ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. सो यहां पे 13th क्वेश्चन में आई विल से द फर्स्ट कंडीशन, सॉरी 13th क्वेश्चन इज, आई विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. अ कमिटी ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 बॉयज एंड 5 गर्ल्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट कंसिस्ट ऑफ ऑल बॉयज, से अगेन एटलीस्ट 4 गर्ल्स. सो सबसे फर्स्ट कंडीशन इज, मैं बोलूंगा देर आर, वापिस से यहां पे सेवन बॉयज एंड 5 गर्ल्स, सो अ टोटल ऑफ 7 + 5 दैट इज इक्वल टू क्या आएगा 12. फिर यहां पे मैं लिखता हूं अ कमिटी, सिंस वापिस ये वर्ड आ गया कमिटी, कमिटी वर्ड आ गया, इसका मतलब है इट इज अगेन क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू व्हाट, कॉम्बिनेशन. अच्छा, कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड, मैं ये बोलूंगा. नाउ सिंस अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म, तो मैं लिखूंगा दिस कैन बी डन इन 12C5As. सो यहां पे मैं लिखूंगा एन ऑफ एस इज इक्वल टू 12C5, इतना लिखने के. अब इसके बाद है मैं लिखूंगा फर्स्ट कंडीशन, तो मैं लिखता हूं यहां पे लेट ए बी एन इवेंट दैट द कमिटी कंसिस्ट ऑफ All boys. अच्छा, अभी मैं बोलूंगा all boys अगर ऐसा बोला है तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि boys तो साथ है but committee कितने का बनाना है, तो मैं बोलूंगा 5 का ही. So I want this case to be that all of them are what, boys. So जब ये criteria आएगा तो मेरा n of a का condition हो जाएगा there are 7 boys of which मैं कोई भी 5 boys को select करूंगा. So this can be done in what, 7C5 ways. एंड एक बार ये कंडीशन आ गया, अब मैं बोल सकता हूं पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इट इज 7C5 अपॉन 12C5. एंड एक बार ये कंडीशन लिखा, आई कैन ऑल्सो से कि यहां पे पी ऑफ ए इज ऑल्सो इक्वल टू 7 × 6 × 5 × 4 × 3 अपॉन 5, 4, 3, 2, 1 डिवाइडेड बाय 12 × 11 × 10 × 9 × 8 अपॉन 5, 4, 3, 2, 1. सो मैं बोलूंगा ये और ये पार्ट तो सीधा कैंसिल हो गया क्योंकि सेम वैल्यूज है. सो अब यहां पे है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 अपॉन 12 × 11 × 10 × 9 × क्या आएगा 8. So, अगर ये वैल्यू हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 30 हो गया, 30 × क्या होएगा 4 = 120, तो 1, 2, 3 बोलगा 12 और 10 कैंसिल हो गया, तो ये 120 कैंसिल हो गया. अब ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 3 = सो ऊपर बच जाता है खाली 7 और नीचे आ जाएगा इट इज 8 × 3 = 24 होता है एंड 24 × क्या करेंगे 11. सो 24 × 11 किया, वी गेट द आंसर फॉर दिस एज व्हाट 264. सो यहां पे द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन. अब मैं ऐसा बोलूंगा यहां पे आई विल स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट, एंड जो सेकेंड पार्ट है मैं बोलता हूं लेट बी बी एन इवेंट दैट द कमिटी consist of
वर्ड यूज हुआ है एटलीस्ट फोर गर्ल्स, सो यहां पे एटलीस्ट फोर गर्ल्स। अच्छा, कमिटी कितने लोगों का बनाना है? पांच। तो जब पांच लोग का कमिटी बनाना है उसमें मेरे को कम से कम चार गर्ल्स चाहिए। सो आई विल सी द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आर एज फॉलोस, एंड यहां पे मैं लिख दूंगा दिस इज बॉयज एंड दिस इज व्हाट गर्ल्स। कमिटी पांच लोग का है तो कम से कम चार गर्ल्स, तो यहां पे फोर गर्ल्स लिखूंगा तो एक ही बॉय आएगा। फाइव गर्ल्स लिखा तो एक भी बॉयज नहीं आएगा। एंड कहना इसे इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम फाइव गर्ल्स है एंड कमिटी भी मैक्सिमम पांच लोग का, तो इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। सो इसके बाद मैं ऐसा बोलूंगा एन ऑफ बी में मेरा कंडीशन जो है वो ऐसा हो जाएगा। नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग यहां पे मैं लिखता हूं ये बॉयज जो है वो सात है, तो यहां पे मैंने ये सेवन लिखा एंड गर्ल्स जो है ये पांच है। सो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि दिस कैन बी डन इन व्हाट सेवन सी वन इनटू फाइव सी फोर, ये एक पॉसिबिलिटी है। सो दिस और मतलब मैं ऐसा बोलूंगा वन बॉय एंड फोर गर्ल्स और जीरो बॉयज एंड फाइव गर्ल्स, तो ये और वर्ड आया इसलिए यहां पे मैंने क्या लिखा प्लस। फिर मैं बोल रहा हूं जीरो बॉयज तो सेवन सी जीरो इंटू फाइव सी फाइव, क्योंकि मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं जीरो बॉयज एंड फाइव गर्ल्स, वापिस वर्ड यूज किया एंड यूज किया इसलिए यहां पे क्या लिखा इंटू। मतलब है ना स्टूडेंट्स को यहां पे ही कंफ्यूजन होता है कि कब ये इंटू आएगा और कब ये प्लस आएगा। तो यहां पे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वर्ड अगर बीच में यूज हो रहा है व्हाट एंड तो मल्टीप्लिकेशन, एंड वर्ड अगर एंड नहीं है और यूज किया है तो प्लस आ जाएगा। सो वी से दिस इज एन ऑफ बी का वैल्यू आ गया। अब यही कंडीशन को मैं ऐसा लिख देता हूं दिस इज सेवन इंटू अभी फाइव सी फोर, तो 5c4 के लिए मैं लिख सकता हूं 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू आ जाएगा। एंड अगर ये कंडीशन हम देखें डिवाइड बाय 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन आ जाएगा, प्लस ये तो हो जाएगा 1 एंड 5c5 इज ऑल्सो व्हाट 1, क्योंकि जो ऊपर टर्म आने वाला है वही टर्म नीचे आने वाला है तो सीधा कैंसिल हो जाएगा एंड वी कैन राइट इट एज व्हाट 1। एंड वी ऑल्सो नो ncn का वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू क्या आएगा 1। So, यहां पे ये थ्री थ्री कैंसिल, ये टू टू कैंसिल, ये फोर फोर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 1, ये हो जाएगा 36। एंड ऑलरेडी हमारे पास एन ऑफ एस का वैल्यू था तो यहां पे मैं लिखता हूं पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। सो यहां पे एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस के लिए मैं ऐसा बोलूंगा दिस बिकम्स 36, इसका आंसर तो आ गया है। अभी n of s के लिए मेरे पास 12c5 है तो मुझे उसको लिखना होगा as 12 into 11 into 10 into 9 into 8 अपॉन में ये आ जाएगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1। सो अभी को इतना समझता है कि 5 2s are 10 तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 4 3s are तो ये 12 कैंसिल हो जाएगा। सो बचा है यहां पे 36, तो मैं यहां पे लिखता हूं दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 36 अपॉन यहां पे है इट इज 11 इंटू 9 इंटू 8। सो अब मैं ऐसा बोल सकता हूं इट इज 9 वनजा 9 फोरजा 4 वनजा एंड 4 टूजा, तो ये हो जाएगा 1/22 एंड ये है मेरा वैल्यू ऑफ पी ऑफ बी। विद दिस दिस क्वेश्चन इज डन। We'll make a note of this question over here.
start with the next question, that is question number 14. There are 5 professors and 5 students. A committee of 5 persons is to be formed. Find the probability that the committee will consist of at least 2 persons from each group. So, yahan pe, that is question number 14. Sabse pehle main bolunga, there are 5 professors and 5 students. So, a total of 5 plus 5, that is equal to 10 persons. So, itna likha. Now, a committee of 5 is to be formed. So, yahan pe main likhta hu, a committee of 5 is to be formed. So, this can be done in 10C5 ways. So, यहाँ पे मैं लिख दूँगा n of s is equal to 10C5. So, ये हो गया 10 into 9 into 8 into 7 into क्या आएगा 6 और ये हो जाएगा 5, 4, 3, 2, 1. ये हो गया 10C5 को सॉल्व करने का तरीका. So, अब यहाँ पे 3 2 जा तो ये 6 चला जाएगा, 5 1 जा और ये हो जाएगा 5 2 जा, 4 1 जा ये हो जाएगा 4 2 जा. So, अभी हो गया 9 into 2 तो ये हो जाएगा 18. अच्छा नहीं तो मैं ऐसा बोलता हूं, 9 into 7 ये 63 हो गया, 63 into 2 किया. So, अब 63 into 2 किया तो we get 126, into 2 किया तो ये हो जाएगा 252. So, ये हो गया मेरा value of what? N of S as the value. अब यहां पे बोला है probability that the committee will consist at least 2 persons from each group. तो मैं ऐसा बोल रहा हूं. Now see, a committee of 5 should be formed so that this can be done. तो ये लिख दिया, ये मेरा n of s का value हुआ. अब मैं ऐसा बोलूंगा, since I want at least 2 persons from each group, तो यहां पे मुझे लिखना होगा a committee of 5 is to be formed in which there should be at least 2 persons from each group. The different possibilities are as follows. So, यहां पे मैं लिख दूंगा as सबसे पहले आ जाएगा professors and यहां पे आ जाएगा as what? Students. Now, 5 लोग चाहिए. तो अगर 3 प्रोफेसर्स है तो यहां पे क्या आएंगे? 2 स्टूडेंट्स. तो ही 5 लोग होंगे. एंड मेरे को क्राइटेरिया दिया है कि देयर शुड बी व्हाट, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दैट इज 2, एटलीस्ट 2 बोला है तो 2 तो होने ही चाहिए. अच्छा अब मैं बोलूंगा 2 प्रोफेसर्स तो यहां पे क्या आएगा? 3 स्टूडेंट्स विल बी देयर. अभी इसके अलावा मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. So, अब मैं बोलूंगा इसके लिए for this n of a becomes, तो ये हो जाएगा अब वापिस से कितने professors है, तो I can write it as what, कि यहाँ पे 5 professors है और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ it is 5 students है. So, इसके लिए मेरे पास condition है कि 5C3 हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसा बोलूंगा 3 professors and 2 students and है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा into, ये हो जाएगा 5C2. और 2 professors and 3 students तो ये आ जाएगा. एंड इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 5 into 4 into 3 upon 3 into 2 into 1, 5 into 4 upon 2 into 1 प्लस ये हो जाएगा 5 into 4 upon 2 into 1, 5 into 4 into 3 upon
3 इंटू 2 इंटू 1. सो अब मैं ऐसा बोलूंगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 जा, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल. तो ये हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 5 × 5 × 4, ये एक ब्रैकेट बचा प्लस. अब ये ब्रैकेट में मैं बोलूंगा 1 जा, ये हो जाएगा 2 जा, ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 1 जा और ये 1 जा, तो वापस से ये हो जाएगा 5 × 5 × 4. सो 5 × 5 = 25, 25 × 4 तो ये हो जाएगा 100. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज 100 प्लस ये भी हो जाएगा 100, तो ये हो गया 200. एंड ये है मेरा वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए. तो मैं लिखता हूँ पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ये हो जाएगा 200/252. अब ये 4 के टेबल में जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 50, ये हो जाएगा 4 6, एंड यहाँ पे ये आ जाएगा 6, तो 24 हो गया है और ये 1 हो गया ना, तो 4 3. सो आंसर फॉर दिस पार्ट इज 50/63. विद दिस दिस क्वेश्चन इज डन. विल मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन. Start with the next question, that is question number 15. The staff of a department consists of a manager, an officer, and 8 clerks. A committee of 4 is to be selected from the department. Find the probability that the committee includes first the manager, second the manager but not the officer, third part neither the manager nor the officer. So yahan pe I'll say this is question number 15 there. Question में दिया गया है the staff of a department consists of a manager, an officer and 8 clerks. तो मैं ऐसा बोलूंगा, there is a manager, an officer and 8 clerks. So, a total of 1 + 1 + 8, that is equal to 10 persons. So, ये हो गया 10 persons हो गए. A committee of 4 is to be selected. तो मैं ऐसा लिखता हूं, a committee of 4 is to be selected. From the department. So यहां पर मैं लिखता हूं, so this can be done in 10C4 ways आ जाएगा. So यहां पर लिखते हैं n of s is equal to 10C4. And ये हो जाएगा 10 × 9 × 8 × 7 / 4 × 3 × 2 × 1. 4 2 = 8, 3 1 = 3, 7 3 = 21 × 10 किया, ये हो जाएगा 210. ये हो गया कंडीशन, मतलब ये हो गया मेरा n of s का कंडीशन. अब मेरा फर्स्ट कंडीशन है दैट द कमिटी इंक्लूड्स द मैनेजर. तो मैं ऐसा लिखता हूं, फर्स्ट पार्ट committee includes a manager. तो मैं ऐसा बोलूंगा, since in the committee the manager is fixed and we are
left with. Other nine persons. We are left with other nine persons. क्योंकि total 10 थे, उसमें से manager fixed है. So we are left with what? Other nine persons. And out of this, three are to be included. अच्छा, क्यों मैंने यहाँ पे three are to be included लिखा? क्योंकि एक तो फिक्स है, मतलब मैनेजर का जो पोजीशन है वो तो फिक्स है, तो बचे हुए नौ में से तीन, क्योंकि टोटल कितने लोग चाहिए? चार, जिसमें मैनेजर इज फिक्स. सो यहां पे मैं लिख दूंगा, दिस इज एन ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1C1 इंटू 9C3, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 9 इंटू 8 इंटू क्या आएगा 7 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू क्या आएगा 1. ये 1 जा, ये आएगा 3 जा, ये आ जाएगा 1 जा और ये आ जाएगा 4 जा. So, ये हो जाएगा 12 into 7 ना, मतलब ये हो जाएगा 84. So, यहां पे मैं लिखता हूं P of A is equal to N of A upon N of S. And ये हो जाएगा 84 upon 210. So, यहां पे 3, 2 जा, ये 2 कह रही तो 8 जा, 3, 7, 0 जा, 7, 4 जा, 7, 10 जा. फिर यहां पे लिखूंगा, ये हो जाएगा 2 जा और ये हो जाएगा 5 जा, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 1 5. तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट ए, मतलब यहां पे मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया. अब मैं यहां पे लिखता हूं सेकंड पार्ट, एंड सेकंड पार्ट के लिए कंडीशन इज द मैनेजर बट नॉट द ऑफिसर. तो यहां पे मैं लिखता हूं the manager but not the officer. Now what is the meaning of this? तो मैं ऐसा लिखूंगा, since in the committee manager is included and we don't want the officer, so we are left with only 8 clerks, of which 3 are to be selected. This can be done in, I can say it is 1C1 आएगा into 8C3 आ जाएगा. So यहां पे मैं लिखता हूं N of B is equal to 1C1 8C3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8 into 7 into क्या आएगा 6 upon 3 into 2 into क्या आएगा 1, 3 2 जा, ये 6 गया, ये हो जाएगा 56. एंड मैं यहां पे लिखता हूं P of B is equal to N of B अपॉन एन ऑफ एस, एंड ये जो वैल्यू है ये है 56 अपॉन 210. सो अब ये 7 के टेबल में जाता है, तो मैं बोलूंगा 730 जा, ये 7 के टेबल में जाएगा, ये हो जाएगा 8 जा, अभी 2 4 जा, 2 15 जा, तो वही है, ये 4 अपॉन में है 15, सो वी राइट दिस एज 4 अपॉन 15. ये हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट बी. Now, the last part, that is the third part. And third part के लिए, the condition is, कि neither the manager nor the officer is selected. So, neither the manager, तो मैं यहां पे लिखता हूं, neither the manager nor the officer. So, यहां पे मैं लिखता हूं, since in the committee manager as well as officer is not allowed, so we are left with
only 8 clerks, of which 4 are selected. So, यहां पे मैं लिखता हूं एन ऑफ सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सीधा सीधा 8c4, एंड जब मैं लिखता हूं 8c4 ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या आएगा 1, 3 टू जा ये 6 गया, ये 1 जा और ये आएगा 2 जा, एंड मैं बोलता हूं यहां पे 5 टू जा 10 हो जाएगा और ये 7, तो ये हो जाएगा 70, एंड यहां पे मैं लिखता हूं पी ऑफ सी इज इक्वल टू n of c upon n of s, and ये हो जाएगा 70 upon 210, ये हो जाएगा 1 upon 3. With this, this question is done, and we have seen enough question which are related to what? Combination part in this session. So we also end this session. Please revise the concept which we have done till now so that it is easy for you all to understand the next concept. Thank you.